पहले जब प्रार्थना होती थी स्कूलों में तब बच्चों की संख्या काफी ज्यादा होती थी और काफी लंबे कतार में लगे रहते थे, मगर अब जो प्रार्थना हो रही है तो बच्चों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा हो जा रही है। अभी आप लोग ये पीछे एक वीडियो देख रहा है जिसमें आपको एक बच्चा दिख रहा है जो स्कूल ड्रेस में है और शिक्षक लोग भी दिख रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा शिक्षक खड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है रक्षाबंधन के दिन की ये वीडियो है जिसमें सभी शिक्षक स्कूल में आ गए हैं मगर बच्चा सिर्फ एक आया हुआ है। जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि जब से के पाठक जी शिक्षा विभाग का अपर सचिव बने हुए तब से रोज एक एक फरमान लेकर आ रहे हैं जिससे शिक्षकों की जो है मुश्किलें बढ़ते चली जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि के पाठक जी का एक जो फरमान आया हुआ है पर्व त्योहार का छुट्टी रद्द की गई है जिसे लेकर शिक्षक तो स्कूल पहुंच रहे हैं मगर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। जरा सोचिए शिक्षक लोगों का तो है नौकरी, उन लोगों का तो मिल रहा है तनख्वाह, तो उन लोगों को सरकार का जो भी फरमान आ रहा है जो भी आदेश आ रहा है उसका तो पालन करना पड़ेगा, मगर बच्चों का तो कोई मंथली मिलता नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, वो जब चाहे तब जाएंगे स्कूल और जब चाहे तब स्कूल नहीं जा सकते हैं, मगर शिक्षक लोगों का अपना नौकरी बचाने के लिए स्कूल में जाना जरूरी है। तो रक्षाबंधन के दिन सरकार के तरफ से छुट्टी रद्द की गई थी और स्कूलों में शिक्षकों को पहुंचना था, तो शिक्षक सभी पहुंच गए और वो भी टाइम से पहुंच गए मगर बच्चे एक भी नहीं आ पाए। जरा सोचिए कि शिक्षा विभाग में इस तरह से चेंज किया जा रहा है, अब पर्व त्योहार के दिन भी शिक्षक जो है अपने घर पर नहीं रह सकते हैं और पर्व त्योहार भी नहीं मना सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और अपना खुशी भी नहीं मना पा रहे। जरा सोचिए के पाठक जी के ये किस तरह का फरमान ला दिया है कि शिक्षक जो है काफी ज्यादा अब जो एक तरह से कहा जाए पहले खुश थे अब एक तरह से काफी दुखी आज से है। शिक्षक के बहन जो थी वो काफी दूर से आकर स्कूल में अपने भाई का कलाई में राखी बांधी, वो भी वीडियो वायरल हुआ और एक ये वीडियो वायरल हो रहा। अब जरा सोचिए कि जब स्कूल में बच्चे भी नहीं आएंगे तो शिक्षक लोग स्कूल में जाकर क्या करेंगे। हालांकि जो ये फरमान आया हुआ है छुट्टी जो रद्द की गई है ये परमानेंट के लिए नहीं की गई है, ये कुछ दिनों के लिए किया गया है। हालांकि इस छुट्टी को रद्द करने का कहा यह जा रहा है कि इससे शिक्षा में सुधार होगा। जरा सोचिए जब बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो किस तरह से सुधार हो पाएगा, ये शिक्षक लोग जब स्कूल में जाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे। खाली अभी देखिए ये जो चारों तरफ से ये कैमरा घूम रहा है और स्कूल में जो ये घूम रहा है किस तरह से कितना शांति में ये स्कूल दिख रहा है, ये काफी बड़ा स्कूल है और इसमें जो स्कूल में लमसम मेरे अंदाज से नहीं बच्चे होंगे तभी 2-3 हजार बच्चे होंगे मगर एक भी नहीं आए, सिर्फ एक बच्चे आए हुए और एक बच्चे जो प्रार्थना में खड़े हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। जरा सोचिए के पाठक के आने से किस तरह से ये बदल गया, ये किस तरह से बदलाव हो रहा है कि बच्चे गायब रहते हैं शिक्षक पहुंच जाते हैं, शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो जा रही है प्रार्थना में मगर बच्चों की संख्या नहीं दिख रही है। इस तरह का फरमान आ रहा है और इस फरमान को लेकर इस छुट्टी रद्द करने के आदेश को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से आप अपना विचार देना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्या फरमान जो आया हुआ है, ये जो आदेश आई हुई है सरकार की तरफ से छुट्टी रद्द करने की, ये सही है या गलत है, इससे जो है शिक्षा में किस तरह से बदलाव हो सकता है, किस तरह से बदलाव नहीं हो सकता है, इस पर भी आप लोग अपना विचार दे सकते हैं।